बिग बॉस के घर के अंदर हम देख पा रहे हैं एक हफ्ते से कहीं ना कहीं लोगों को अपने फेवरेट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को ऑडियंस पसंद नहीं कर रही है, कुछ लोगों को कर रही है, कुछ लोगों को एक्सेप्ट कर रही है तो कुछ लोगों को रिजेक्ट कर चुकी है। लेकिन फिर भी अभी भी बिग बॉस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तक पहुंचनी है, हमें मिलनी है, क्योंकि अभी अभी तो ये बिग बॉस का खेल शुरू हुआ है। अब इस सब में आपको बताते हैं शालीन बनौत बिफोर गोइंग इनटू बिग बॉस हाउस, उन्होंने आखिर क्या कुछ बोला है और अब उनका ये इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है जहाँ पे उन्होंने कुछ बातें कही है उनके एक्स वाइफ दलजीत कौर के साथ उनके रिश्ते के बारे में और उनकी जो बड़ी कंट्रोवर्सी रही है जहाँ पे उनकी वाइफ ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस किया है और मारपिटाई की है, फिजिकली हरास किया है। इन सब के ऊपर शालीन अपनी चुप्पी पहली बार तोड़ते हुए नजर आए। तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ हो रहा। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त विदांगी करने को। वेल, बिग बॉस के घर के अंदर दो काफ़ी कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स इस सीजन हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो साजिद खान, जिनके अगेंस्ट 9 लेडीज ने जो है मी टू मोमेंट के चलते अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्हें और सामने आकर पब्लिक को बताया कि किस तरीके से उनके साथ सेक्सुअली हरास किया, उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट की गई थी साजिद खान की ओर से और कैसा ये कैसे इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इस सब के बीच इवन शालीन बनौत भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साजिद खान के चलते इतना ज़्यादा फोकस शालीन बनौत पे लोगों का गया नहीं, जहाँ पे शालीन को उनके एक्स वाइफ ने सीजन 13 की कंटेस्टेंट दलजीत कौर ने शादी के कुछ साल के बाद छोड़ दिया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि उनके ऊपर फिजिकल हरासमेंट डोमेस्टिक वायलेंस जो है शालीन ने किया था। अब इसके ऊपर बात करते हुए शालीन नजर आए, तो चलिए आपको बताते हैं इस बारे में। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, 2009 में शालीन और दलजीत की शादी हुई थी, दोनों ही कुलवधू के सेट पे मिले थे, शादी हुई उनकी। उसके बाद और 2015 में उनके डिवोर्स की खबरें सामने आई और दलजीत कौर ने बताया कि किस तरीके से वो डिवोर्स लेना चाहती है एंड डिवोर्स ले रही है बिकॉज उन्हें मार पिटा गया है शालीन बनौत की ओर से। लेकिन उस वक्त से अब तक शालीन ने अपनी चुप्पी बनाए रखी, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी कभी भी नहीं बोली, कुछ भी नहीं कहा। और अब बिग बॉस के घर के अंदर जाने से पहले उन्हें ये सवाल पूछा गया था एक इंटरव्यू के दौरान कि आप जब घर के अंदर जाओगे तो आपकी कंट्रोवर्सी के बारे में शायद कुछ बातें हो सकती है, बिकॉज पब्लिक आई में हर एक चीज़ रहती है, सो कोई ना कोई शायद टॉपिक होगा, कोई आपसे घर के अंदर पूछ लेगा या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप आपकी शायद पास्ट के बारे में बात करें, तो आप ऐसे में ऐसे टॉपिक को आपकी एक्स वाइफ के साथ आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस का पूरा चक्कर है उस पर आप क्या बताएंगे, आप क्या कुछ कहना चाहोगे उसके ऊपर। शालीन ने कहा, मैं उस चीज़ के साथ बिल्कुल भी डील नहीं करने वाला हूँ, मैं मेरे पास्ट में बिल्कुल भी नहीं जाता, मैंने मेरे पास्ट के बारे में पहले भी कभी बात नहीं की है, अभी भी नहीं करूँगा, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, जो कुछ साल पहले हुआ था, आई थिंक अब उस चीज़ को 8 साल हो चुके हैं और मैंने तभी भी उसके बारे में बात नहीं की, तो अभी क्या मैं उसके बारे में बात करूँगा, मेरी फैमिली है यार, इस तरीके से उन्होंने बड़ी बात कही है। फिलहाल खबरें आ रही है उनके और सुम्बुल के क्लोजनेस के बारे में, जहाँ पे हमने देखा परसों के ही एपिसोड में उन्होंने काफ़ी क्लियरली बोला कि उनके बीच और यू नो सुम्बुल के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, टीना को जवाब दिया करिए, छोटी बच्ची ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। सो इवन उस चीज़ का जवाब वो देते हुए नज़र आए, उनका रिश्ता विद सुम्बुल। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या उनकी साइड ऑफ द स्टोरी वो बताएंगे कभी इस शो में या नहीं, क्या वो गलत है इसलिए चुप थे या फिर दलजीत के बारे में और अपने बेटे के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते इसलिए चुप है। What's your take on that? Let me know in the comments. See you soon.